Richa, अब सिर्फ तुम लोग मेरी ताकत हो, मेरी उम्मीद हो. काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम. बहुत आंसू बहा लिए. अब उनकी बारी है जिनकी वजह से ये आंसू बहे थे. खालिद, जब तक अनन्या ठीक नहीं हो जाती मैं उसी घर पे रह रहा हूँ. अभी भी मैं इंस्पेक्टर खुराना को वहाँ छोड़कर आया हूँ. हालांकि उसने सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े कर दिए, लेकिन आई जस्ट वांट ट्रस्ट दीज गाइस. नो इश्यूज कबीर, मैं पूरा सेटअप वहाँ लगा दूंगा. तुम अपना बुलेटिन वहीं से पढ़ देना. रिचा, मैं तुम्हें एक ब्रीफ मेल करने वाला हूं तुम्हारे आज के बुलेटिन के लिए. रॉनी की मौत की खबर तुम आज रात 8 की बात पर ब्रेक करोगी. हम जानते हैं सबके पीछे कौन है. वी आर नॉट गोना स्पेयर देम. तुम चाहती हो रिचा कि मानव रॉनी की न्यूज ब्रेक करे, तो फिर उठो और अपना बुलेटिन प्लान करो. बाय द वे कबीर, मानव और श्रेय अभी तक ऑफिस नहीं आए. आई थॉट यू शुड नो. क्या कर रहे हो ड्राइवर? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी. अच्छा हुआ तुम मिल गए. बहुत अफसोस हुआ सुनकर. जवानी लड़का तो था ना रोनी. पिछली बार जब हम मिले थे राजी, तब मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से रिक्वेस्ट की थी कि अनन्या से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं माने. अब ऐसा है कि तुम्हारे पापों का खड़ा छलक गया. पहले वो 50 बच्चे, फिर सुधीर कश्यप और अब रोनी सिंह. सड़क पर खड़ा होकर बकवास मत कर कबीर. भूल गया अपने भतीजे को? भूलता मैं कुछ नहीं. अब तू याद रखना जो मैं तुझे बता रहा हूं. आज तो सड़क पर थप्पड़ मारा है ना मैंने तुझे, बहुत जल्द पब्लिक के बीच में तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं. अपने दिन गिनना शुरू कर दे आरजी. कबीर, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा. ना, तेरे साथ शराफत ज्यादा महंगी पड़ी थी मुझे आरजी. अपने डर और अपनी मजबूरी की कीमत बहुत ज्यादा चुकाई है मैंने. 8 साल पहले की चुप्पी का भुगतान मैं आज तक करता आया, लेकिन अब देख मेरे हाथ खुल गए. अब मैं अपने पाप धोऊंगा और तुझे तेरे पापों में डुबाकर मारूंगा. आरजी, लिसन टू मी. ये रोनी वाला मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है. पुलिस, मीडिया, ये सब नजर रखे हुए हैं केकेएन पे, कबीर पे. और ऐसे में अगर कबीर के साथ कुछ हुआ ना, तो मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा. आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे. So for now, सिर्फ कुछ टाइम के लिए शांत बैठ जाइए. जस्ट बी पेशेंट एंड वी विल सी. स्टैंड बाय. 4 3
3, 2, 1, 0. आज की बात में आपका स्वागत है मेरे यानी रिचा लखानी के साथ। केकेएन और दिल्ली न्यूज जर्नलिज्म के लिए आज एक काला दिन है। कल रात केकेएन के इनपुट एडिटर और मानव से मानवता के प्रोड्यूसर रॉनी सिंह की हत्या कर दी गई है। उन्हें एक ट्रक ने कुचल दिया। वैसे ये एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन हम केकेएन में इसे मर्डर करार दे रहे हैं। हमारे पास कुछ ठोस सबूत है इस अमानवीय घटना के पीछे के षड्यंत्र के, और आज रात हमारे एडिटर इन चीफ कबीर शर्मा इस केस का खुलासा करेंगे अपने प्रोग्राम 9 बजे की खास खबरें में। देखना मत भूलिएगा। एक न्यूज जर्नलिस्ट या इस केस में न्यूज प्रोड्यूसर की इस तरह मौत इस बात का संकेत है, इस सच को सामने लाने की हमारी यानी केकेएन की हर दम कोशिश पर ये प्रहार है। ये क्या खुलासा करने वाला कबीर? और ये लड़की क्या बकवास कर रही है? अरे श्रेया श्रेया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। I don't know आरजी। कबीर बस कुछ ही टाइम के लिए आज ऑफिस आया था। Then fire him, निकाल कर बाहर फेंको उसे केकेएन से। मीडिया ही हथियार है ना उसका। छीन लो उससे उसकी पोजीशन, उसका चैनल immediately। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कबीर केकेएन का पार्ट ओनर है, स्टेक होल्डर है। उसे फायर करने जाएंगे तो बहुत महीने वेस्ट हो जाएंगे, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ खालिद है, केएल है। तो मैं उसे दुनिया से निकाल देता हूँ। Hold on आरजी, लिसन, सुनिए, गिव मी सम टाइम, आई विल फिगर समथिंग आउट। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। तुम्हें जो फिगर आउट करना है करती रहो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। मेरे साथ जो कबीर ने किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था। तो ये थी आज की खास खबरें आज की बात में। फिर एक बार हम आपको बता दें, हम में से किसी एक की मौत भी हमें सच की लड़ाई से डगमगा नहीं सकती। आपसे किया वादा, खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक लाने का हम हर हाल में निभाएंगे। नमस्कार। क्या बात है खालिद, यू फैबुलस। आई मीन आई डिड नो तुम ये भी जानते हो। मानव, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी जानते हो क्या है? तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो, whereas the fact is that you don't know a zilch about me। वैसे देख रहा हूं कि आजकल तुम बहरे होते चले जा रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक नए मालिक की घंटी सुनाई देती है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर एज अ सीनियर तुम्हें इतना बता दूं कि तुम अपना शो खोने वाले हो। अब जिस इंसान में मानवता ही नहीं रही तो मानवता पे शो कैसे कर सकता है? राइट खालिद, ये शो तुम्हारी बिजनेस हेड श्रेया ने अप्रूव किया था ना? यू गो अगेंस्ट हर? नो, ऑफ कोर्स मानव, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगा। मैंने कहा था ना, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। बाल की खाल निकालना आता है मुझे, और चेहरों से नकाब मोचना आता है मुझे, और किसी को इतना जलील करना आता है कि उसे खुद के होने पे शर्मिंदा होना पड़े। यकीन नहीं होता ना तुम्हें?
but then try me. When I'm pissed off, I'm really messy to handle. Good. Hi, Khalid. I saw Richa's bulletin. I mean, ऐसी हालत में भी उसने न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ जिस तरह से रॉनी की मौत की खबर सुनाई है ना, I'm amazed at her. She's such a brave girl, na? Yes. अच्छा वैसे कबीर कौन सी खास खबर ब्रेक करने वाला है? You know, रॉनी के डेथ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिली है? What is that? God alone knows. या फिर कबीर जानता? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कबीर को किसी ने छेड़ा है. अब कबीर किस किस को छेड़ेगा और क्या छेड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं. Excuse me, I've got to prepare for the next bulletin. हमने रॉनी की मौत की न्यूज को आज सारी दुनिया के सामने ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं अपना ट्रिब्यूट रॉनी को आज रात 9 बजे की न्यूज में दूंगा, जब मैं सारी दुनिया के सामने जंग का ऐलान करूंगा. ये मेरा तुमसे वादा है, खुद से वादा है, और सबसे ज्यादा रॉनी से. तुम्हें पता है अनन्या, जब रॉनी को मालूम पड़ा हमारे बारे में तो वो मेरे पास में आया था. कहीं उसने मजाक में मुझे वॉर्न भी किया कि अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा. रॉनी जैसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं अनन्या, और शायद इसीलिए कभी मरते नहीं. हमारे बीच में रहते हैं, हमारी यादों में, हमारे ख्यालों में, बस नजर नहीं आते. सुबह से यही हाल है उसका, रोई जा रही है लेकिन आंखें नहीं खोल रही. मिसेस कश्यप, डॉक्टर ने कहा था. डॉक्टर ने कहा था लेकिन अब और उसकी ऐसी हालत दिखी नहीं जा रही. हम एक बार डॉक्टर को फिर से यहां बुला लें. मैं बात करता हूं. हां बको सर जी, कबीर ने अभी अभी डॉक्टर को फोन करके अनन्या के घर बुलाया है. तो ठीक है, जो करना है कर डालो.
ये तो डॉक्टर भी राय देते हैं कि घाव खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्फेक्शन अगर ट्यूमर बन जाए तो उसे काट कर निकाल फेंकना चाहिए। आज रात 9 बजे कबीर शर्मा की खास खबरें देखना मत भूलना श्रेया। क्यों? ऐसा क्या है? कबीर शर्मा को एक खुलासा करने वाला था ना। केकेएन की सीनियर रिपोर्टर अनन्या कश्यप अब इस दुनिया में नहीं रही। एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते वो इस दुनिया से चल बसी। जाने से पहले पैसा और पोजीशन को ताकत समझकर जो उसके घमंड में जीते हैं, दरअसल वो एक भ्रम में जीते हैं। क्योंकि ताकत में घमंड नहीं होता, ताकत में तो विश्वास होता है, और विश्वास इसमें नहीं मिलता, विश्वास तो यहां मिलता है। बंदूक तानने में कोई ताकत नहीं, ताकत तो बंदूक के सामने खड़े होने में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.